सो एवरीवन, इस वीडियो में मैंने 7 दिन में अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव किया है एंड आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो पूरे वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि day 1 to day 7 होने वाला है। और day 1 में मैंने लाइन प्रैक्टिस, सर्कल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के टू इम्प्रूव माई ड्राइंग्स, एंड ये आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि फ्री हैंड का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो सर्कल्स और लाइन के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो day 1 में मैंने लाइन्स और सर्कल्स की प्रैक्टिस की। डे टू में मैंने शेडिंग और ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस की, जिसमें मैंने समझा कि कहाँ पे लाइट कहाँ पे डार्क वैल्यू को ड्राइंग में दिया जाता है। एंड इसमें मैंने डार्क टू लाइट एक सर्कल बनाया, एक ग्रेड बनाया डार्क टू लाइट का, जिसमें मैंने दिखाया कि कहाँ पे अगर लाइट आती है तो वो कहाँ पे डार्क होता है और कहाँ पे लाइट हो जाता है। एंड इसमें मैंने एक सर्कल व्हील भी बनाया है, जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने डार्क और कहाँ पे मैंने लाइट टोन का यूज़ किया है। एंड मैंने बॉक्सेस में भी इसे फिल करने की ट्राई की, जो कि हेल्प करेगा आपको शेडिंग करने में। सो day 3, day 1 में हमने लाइन और सर्कल प्रैक्टिस की थी, day 2 में शेडिंग और ब्लेंडिंग प्रैक्टिस की थी, और day 3 में मैं कुछ फेस बनाने वाला हूँ जो कि फ्री हैंड से एंड विद माई इमेजिनेशन विदाउट यूजिंग एनी थिंग्स। एंड इस वीडियो में जो मैं day 2 में मैंने सर्कल्स और लाइन प्रैक्टिस की थी, वो आपको लूमिस मेथड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, एंड आप ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं लूमिस मेथड से स्केचेस ट्राई करके। एंड day 3 में मैंने सिर्फ स्केचेस ही ट्राई किए थे, जो कि फ्री हैंड, और मैंने बहुत सारे स्केचेस ट्राई किए थे, बट मैं आपको अभी थोड़ा सा ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि आई हैव नो एनी कैमरा टू रिकॉर्ड मोर वीडियोस। सो इट्स day 4। day 4 में मैंने सम स्टिक फिगर्स ट्राई किए, जो कि मुझे कोई भी ड्राइंग का साइज और कहाँ कहाँ पे लाइट एंड डार्क शैडो अप्लाई किया जाता है इसमें हेल्प करती है, और इससे आपकी स्केचिंग भी इम्प्रूव होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ day 4 में मैंने सिर्फ स्टिक फिगर्स ही बनाए थे टू इम्प्रूव माय ड्राइंग्स। सो नाउ वी आर कम टू day 5। day 5 इज एन इम्पॉर्टेंट डे टू मेक माई ड्राइंग्स, टू शो माई ड्राइंग्स। एंड day 5 में मैंने सम स्टिल लाइफ ड्राइंग्स की थी, जो कि मेरे आसपास में थे, जैसे कि एक वाटर बोतल एंड अ लैम्प एंड अ बैग टू चेक माय आर्टवर्क्स। एंड day 6, तो day 6 में मैंने कुछ फ्री हैंड आर्टवर्क्स ट्राई किए थे, एंड day 6 में मुझे कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने कुछ ही ड्राइंग बनाए थे सो day 6 में मैंने कुछ स्टिक फिगर्स, एक स्कल, एक ओल्ड मैन
और एक चाइल्ड की ड्राइंग बनाई थी। डे सेवन इज एन इम्पॉर्टेंट डे टू शो माय आर्ट वर्क्स फॉर डे वन टू डे सेवन। तो डे सेवन में मैंने एक फ्री हैंड पोर्ट्रेट बनाया जो कि विराट कोहली सर का ड्राइंग बनाया मैंने डे सेवन में, और ये बिल्कुल ही फ्री हैंड थी। एंड मैंने फ्री हैंड आर्ट वर्क्स ज़्यादा नहीं ट्राई किए थे, तो मैं इस ड्राइंग को एक लैमिनेशन फोटो स्टेट पेपर्स मैंने करवा लिया था, उसे देख के बनाया था। एंड ये बिल्कुल ही फ्री हैंड ड्राइंग है जो कि मैंने सिर्फ एक मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके बनाया था, और इसे बनाने में मुझे 10 टू 20 मिनट्स लगे थे, जो कि पहले मैं ग्रिड मेथड से बनाता था और ग्रिड मेथड में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। तो मैं आपको अपनी 7 डेज की जर्नी दिखाता हूँ। डे वन में हमने ट्राई किया था लाइंस और सर्कल प्रैक्टिस, डे टू में सेडिंग, डे थ्री में सम फेस ट्राई किए थे, डे फोर में हमने कुछ स्टिक फिगर्स ट्राई किए थे, डे फाइव में हम लोगों ने स्टिल लाइफ ड्राइंग्स बनाया था, एंड डे सिक्स में फ्री हैंड लूमिस मेथड से एक कुछ आउटलाइनिंग्स की थी, एंड फाइनली डे सेवन में मैंने विराट कोहली सर का ड्राइंग बनाया था। तो आप मेरा इम्प्रूवमेंट देख सकते हो डे वन से लेकर डे सेवन तक। If you like my videos, please subscribe to my channel. Thank you.